जाति एक बड़ी सच्चाई है लेकिन एकमात्र सच्चाई नहीं है। ये भ्रम मत फैलाइए। ये बिहार में एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों भ्रम फैलाया गया है। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके पास जाति होनी चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ये भ्रम क्यों फैलाया गया पहले ये समझ लीजिए। बिहार के अगर जितने लोग सांसद और विधायक पिछले 30 वर्ष में बने हैं, चाहे जिस दल से बना है, उसका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1200-1250 परिवार का आदमी ही यहाँ पर सांसद विधायक बना है, सिर्फ 1200-1250 परिवार का ही। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तब बुझाएगा। अभी डिप्टी सीएम है आपके सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी जी के। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के उस शासन में विधायक और मंत्री थे। लोगों ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी को राज दिया, तो लालू जी के भी राज में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। लोगों ने लालू जी के जंगल राज को हटाया, नीतीश को लाया, तो नीतीश के भी सरकार में शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। लोगों ने नीतीश को हटाया, मांझी जी को बनाया, तो मांझी जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। और आज अभी भाजपा का थोड़ा दम बढ़ा है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये परिवारों की जो पकड़ है, आपको राज्य भर का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा लेकिन आप अपने कैमूर के हर विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, 4-5 परिवार ही शासन कर रहे हैं। दल बदलता रहेगा लेकिन वही परिवार का लड़का करेगा। जनसुराज उसी को तोड़ने का प्रयास है।